सब लोग एम्स दिल्ली के बारे में सपना देखते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं वो सपने को सच कर दिखाते हैं। उसके लिए आपको सच्चा मन लगन दे के पढ़ाई करना है। आज इस वीडियो में मैं मेरे बेटे की जर्नी एम्स दिल्ली तक कैसे पहुंचा उसके बारे में दिखाऊंगी। आदित्य ने कभी ऐसा एक भी टाइम नहीं छोड़ा जहां पर उसने नहीं पढ़ा है। अभी आप यहां देख सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर वो बुक लेके गया है। इवन दो हम लोग सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन इतने भीड़ भाड़ से दूर वो अपना बुक लेके बैठा है और पढ़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था। वो जब भी उसको टाइम मिलता था कैसे सर्जरी करे उसके बारे में भी वीडियो देखता था। उसको सर्जरी में बहुत ही इंटरेस्ट था, मतलब बचपन से ही उसको देखेंगे तो मतलब डॉक्टर के बारे में, सर्जरी के बारे में, नया नया रिसर्च के बारे में पहले से ही उसको बहुत ही इंटरेस्ट था। जब भी हम लाइब्रेरी जाते थे मेरी छोटी बेटी को लेके, उसकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आदित्य भी हमारे साथ जाता था। लेकिन वो क्या करता था पता है? वहाँ पर भी पता था, ऐसा एक भी समय नहीं जो वो वेस्ट करते। तो आप अगर इसी तरह पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली तक MBBS करने के लिए पहुंच जाएंगे। और MBBS करने के लिए एक साल नहीं 5 साल का खर्चा कितना पता है एम्स दिल्ली में? सिर्फ 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंडिया का सबसे बेस्ट टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज में से एक है, जहाँ पर पढ़ने के लिए सब बच्चे सपना देखते हैं। लेकिन सपने को साकार करने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं, जब हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, यहाँ से हमारा इंस्टीट्यूट अराउंड 2.5 घंटा लगता है आने में, 2.5 घंटा, तो 5 घंटा जाने आने में। कभी ट्रैफिक कम हो तो थोड़ा कम भी लगता था, लेकिन तभी भी रास्ते में उसने पढ़ाई कभी बंद नहीं किया, क्योंकि वो सोचता था जो बच्चे इंस्टीट्यूट के पास हैं तो वो घर में जाके इमीडिएटली पढ़ेंगे, और मेरा जाना आने में 5 घंटा वेस्ट हो जाता था। तो इसीलिए वो उसी टाइम को यूटिलाइज करके गाड़ी में वो पढ़ लेता था। और कभी कभी क्लास भी रहते थे तो वो क्लास भी अटेंड करता था। मोस्टली हम सिटी से अराउंड 60-65 किलोमीटर दूर में रहते हैं, तो हर दिन हमको क्लास जाने के लिए सुविधा नहीं होता, इवन दो वीकेंड में भी, क्योंकि जाना आना इतना टाइम लगता है। इसीलिए वो हमेशा ऑनलाइन ही क्लास करता है। ऑनलाइन क्लास करने से लोग सोचते हैं कि वो मतलब क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बेटे ने वो प्रूव करके दिखाया कि अगर मन में सच्चा लगन हो, पढ़ने के लिए इच्छा हो, तो ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं। और हमारे टीचर हमको बहुत ही सपोर्ट करते थे, तो जो भी डाउट हुआ, जो भी हुआ, इमीडिएटली वो टीचर को भेजते थे व्हाट्सएप में। सब टीचर हमको उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर, मोस्टली ज़्यादा भी लेट नहीं, पूरा 1 मिनट में ही टीचर ज़रूर देख लेते हैं। और आदित्य को बहुत ही सपोर्ट करते थे, इसीलिए आदित्य ने पहली बार में 720 से 720 अंक लाया नीट में। अभी उसका क्या मैं बोलूँ, वो मतलब जो स्कूल में जो जितना गैप होता है एक पीरियड के दूसरे पीरियड के अंदर, या मतलब कोई गेम पीरियड होता है, तो उसको वो वैसा जाने नहीं देता। उसका बेस्ट प्लेस स्कूल में होता है लाइब्रेरी, तो कभी भी आप आदित्य को ढूंढो कहाँ है, ज़रूर आप उसको लाइब्रेरी में ही मिल जाओगे, क्योंकि वो कभी भी 1 मिनट उसका टाइम वेस्ट नहीं जाता था। तो हमेशा उसको पढ़ने के लिए बहुत ही शौक था और वो हमेशा पढ़ता रहता था। जितना उसके पास NCERT का बुक था और इंस्टीट्यूट का मटेरियल था, उसमें वो पढ़ता ही रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा ऑनलाइन ही क्लास करता था, कभी मतलब ऐसे फिजिकल क्लास हम जाते आते नहीं थे। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे, आजकल की दुनिया में सब लोग ऐसे बोलते हैं, हमको बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, जो इंस्टीट्यूट मतलब अच्छा पढ़ाई हो, अच्छा रिजल्ट हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ कि ऐसा मतलब अगर जो इंस्टीट्यूट में आप मानोगे वहाँ से टॉपर आए हैं और आप जाके पढ़ोगे, उसका मतलब नहीं कि आप भी टॉपर बन जाओगे। हम यहाँ पर प्रूफ कर देना चाहते थे कि हम जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, घर में पढ़े, ऑनलाइन में पढ़े,
अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो, मन में जोश हो, तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छा अच्छा स्कूल में, जो इंटीग्रेटेड में स्कूल में जाए तभी जाके हम टॉपर बन सकते हैं, वो पूरा गलत बात है। अगर आपको इच्छा है पढ़ने के लिए, एम्स दिल्ली जाने के लिए, तो इवन ऑनलाइन में भी जितना मटेरियल मिलता है या ऑनलाइन क्लासेस करके भी आप जा सकते हैं। ये एक आकाश में इसको प्राइज़ मिला था, जो कि वो बायोलॉजी ओलम्पियाड में सिलेक्ट होके बॉम्बे गया था, मुंबई गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसीलिए उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। और ये फंक्शन, मतलब छोटा छोटा जो मतलब फंक्शन करने से बच्चे का बहुत मोटिवेशन भी बढ़ता है और पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ही इच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं सब लोग कितना खुश हैं और सब लोग मतलब भविष्य के बारे में उसको और भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे भी वो बहुत ही अच्छा कर पाएगा। और उस बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए भी हम मतलब एक मैम से रिक्वेस्ट किए थे, वो हमको रात 12-1 बजे तक वो पढ़ाते थे आदित्य को, फिर सुबह 6 बजे से फिर क्लासेस चालू हो जाता था। फिर मैम ने बहुत ही सपोर्ट किया और वो बायोलॉजी ओलंपियाड में वो जो OCSE कैंप होता है वहाँ तक सक्सेसफुली गया और वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला। हालांकि हम मतलब वो top 4 जन के अंदर नहीं जा पाए, फिर भी top 30 में हम TIRF जो होता है OCSE कैंप सिलेक्ट हुआ था और वो वहाँ तक गया था। उसको बायोलॉजी में बचपन से बहुत ही इंटरेस्ट है, मतलब जो भी मतलब उसको जहाँ पर भी मिले वो उसके बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए उसको हमेशा रहता था। ऐसे वो इंस्टीट्यूट हर सैटरडे संडे एग्ज़ाम होता था, इवन वेडनेसडे को भी एग्ज़ाम होता था। जब एग्ज़ाम होता था वो कभी घर से एग्ज़ाम नहीं देता था, जितना भी दूर लगे तो हम सुबह सुबह 10 बजे अराउंड निकल जाते थे, आते वक्त रात को 10 बज जाता था, लेकिन एग्ज़ाम तो हम जाते थे सेंटर में ही देने के लिए। क्योंकि एक बात है, सेंटर में एग्ज़ाम देने से क्या होता है कि आपको OMR का प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में तो हमको OMR में देना है, तो घर में ऑनलाइन दे के कुछ फ़ायदा नहीं, तो जितना मुश्किल हो सके फिर भी हम जाके एग्ज़ाम दे के आते थे। और ऐसा नहीं कि हम चले आते थे, उसी एग्ज़ाम देने के बाद वहीं पर सेंटर पर ही वो सारे आंसर की मिलाता था। अगर 1-2 गलती भी हुई तो क्यों वो गलती हुई, इमीडिएटली टीचर से वो गलती के जो क्लैरिफिकेशन, डाउट क्लैरिफिकेशन करता था, फिर हम आ जाते थे घर। ऐसे करके उसका 4 साल कट गया। कभी कभी ऐसा भी है, इतना टायर्ड हो के वो गाड़ी में कभी सो भी जाता था आधे घंटे, फिर जैसे कि रात में और टायर्ड ना लगे और वो अच्छे से फिर से पढ़ पाए। तो ऐसे रहा जर्नी। तो आप भी अगर ऐसा ही मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आप देखोगे आप एम्स दिल्ली तक पहुंचोगे। ये 4 साल बीत के हमारा हो गया ये लास्ट का एक दिन। जस्ट ये वीडियो मैंने लिया है प्री नीट की पहले दिन, जहाँ पर मैं गई थी, क्योंकि प्री नीट के दिन तो मैं नहीं गई थी, उसके पापा के साथ वो गया था। तो यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट है और हम यहीं पर आके हमेशा एग्ज़ाम देने के लिए आते थे। और ये रही मेरी छोटी बेटी, उसको भी मेडिकल के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है। तो फिर आप भी अच्छे से मेहनत करें, तो गॉड की विश से, हम सबका विश से, तो आप लोग भी नीट 2025 क्या जो आगे भी जो बच्चे आए हैं वो अच्छे करेंगे। तो ये हमारे फाइनल आ गया नीट का एग्ज़ाम के दिन। तो आपके उसके पापा को देख सकते हैं, वो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हमेशा वो भगवान के मतलब बुक पढ़ते रहते हैं, और पीछे आदित्य भी रिविजन करता था। अभी हम चल पड़े, निकल पड़े नीट की सेंटर के, और अभी आदित्य को ऑल द बेस्ट। अभी वो जा रहा है, जिस दिन का इंतज़ार था आज वो दिन आ गया है फाइनली। तो अभी एग्जाम ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं हंस हंस कर वो एग्ज़ाम सेंटर से निकल आया। हम उसे पूछ रहे हैं कैसा हुआ, क्या हुआ, एक टीचर भी आए थे उसने के लिए और उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने के लिए कि कैसा गया। तो बोला कि उसका बहुत ही अच्छा था,
तो 720 से 720 आएगा करके वो सोचा था। फिर हम सेंटर भी हमारा घर से अराउंड 2.5 घंटा था, तो फिर हम जाते वक्त ही जो सब मतलब फिर जेई आकाश आलेन सबका जो आंसर की नारायणा का सब निकल गया था, तो हम जाते जाते ही आंसर की चेक कर दिए थे, तो तभी हमको मालूम चला था कि हाँ हमारा 720 आ सकता है। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन था, फिजिक्स का एटम क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, तो फिर उसी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन एनटीए ने उसको बोनस दे दिया तो हमारा 720 से 720 आ गया। तो आकाश में आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है। फिर सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया, फिर पता नहीं क्या हुआ, आप तो सब न्यूज़ में देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में सब हल्ला गुंडा मिल गया कि इतने सारे टॉपर कैसे हो गए, फिर रिनीट करवा दिया जाए। और उसके बीच में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो आटम का जो क्वेश्चन था वो पुराने सिलेबस से जो मतलब बुक की एडिशन से जिन्होंने आंसर किया था उनका 5 मार्क कम कर देंगे और नए सिलेबस का आंसर ही रखेंगे। तो इस बीच हमारा मतलब 5 मार्क इधर उधर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, हम जो चाहते थे भगवान की कृपा से एम्स दिल्ली में हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में फ़ोटोशूट चालू हो गया, तो फिर हमको इतना इधर उधर करके अराउंड 4-5 घंटा लगा ये फ़ोटोशूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। तो ये लाइफ का ऐसा एक सफ़र है, हम जितना मेहनत करके आएंगे फिर लास्ट में जब रिवार्ड्स मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सब लोग हमको जानेंगे, कितना खुशी लगता है। मतलब इट्स रियली मतलब हमारा विश फुलफिल हो जाता है, हम जितने दिन हम कड़ी मेहनत करते हैं 4 साल, तो उसका मतलब जैसे कि लगता है कि चलो हमारा परिश्रम का फल मिल गया ऐसा करके। तो फिर ऐसे करके हमारा वीडियो शूट चलता रहा पूरा दिन, फिर वहीं पर ही हमको खाना पीना के लिए सब दिए, तो बढ़िया से अच्छे से हमारा शूट हो गया। बचपन से लेके आदित्य बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, 100 से ऊपर अवार्ड्स और लाइक 45 अराउंड ट्रॉफीज मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश के सेलिब्रेशन के मोड बहुत ही ज़्यादा है, ड्राम से लेके सब लोग डांस में मस्त हैं। तो हम लोग उसका 720 से 720 जब एयर वन आया था तो उसके लिए खुशी से एक केक भी काट रहे हैं, तो उसके सारे दोस्त लोग आए थे, सभी लोग बहुत ही एंजॉय किए और बहुत ही सेलिब्रेशन करके बहुत ही खुश था, चारों ओर माहौल बहुत ही खुश था। आप देख सकते हैं बिलबोर्ड में भी सारा उसका फोटो निकला था, कभी कभार बस के पीछे भी हम देखे थे, एक बार ऐसे अचानक जा रहे थे तो देखे बस के पीछे भी उसका नाम आया था, तो देखने से कितना अच्छा लगता है और एक इंस्पिरेशन भी है सभी के लिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट दिन, हमने ये फ़ोटो शूट किया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो चेंज कर दिया, रिवाइज कर दिया आंसर की को, बट कोई बात नहीं, हम एम्स दिल्ली में हमारा आ गया ऑल इंडिया 41 होके, और हम बहुत ही खुश थे कि भगवान की कृपा से चलो हमारा एम्स दिल्ली में एडमिशन हो गया। फिर हमको आकाश ने बुलाया दिल्ली और वहाँ पर बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, अवार्ड सेरेमनी हुआ, बहुत ही खुश, मतलब ऐसा लगता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और मतलब कभी ऐसे मतलब सपने में भी सोचते थे, मतलब 4 साल पहले मेरा सपना था कि मैं एक बार आदित्य को देखूं स्टेज में, चारों ओर बिलबोर्ड में, बैनर में, सब जगह। एक बात याद आ गया कि क्लास 2 में जब हम जाते थे स्कूटी में, तो फिर हम देखे थे कि एक बिलबोर्ड में आकाश का आया था पोस्टर, कभी मैं उसको दिखाया था, देखो कान्हा आदित्य उसका निकनेम कान्हा है, तो एक बार तुम भी अगर अच्छा पढ़ोगे तो इतना दिन तुम्हारा भी फोटो आएगा। तो अभी वो टाइम आ गया, हम सब वो जा रहे हैं स्टेज में और उसको अवार्ड मिल रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं और थैंक यू ये सब जर्नी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको भी बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा, आप बहुत मन से पढ़ाई कीजिए, एक ना एक दिन आपको भी आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन पढ़ के भी उसने एम्स दिल्ली का सफ़र तय किया और भी मतलब डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में,
और अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर एम्स दिल्ली पहुँच गए हैं और उसका व्हाइट कोट मिल गया है। फर्स्ट डे कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है। थैंक यू एवरीवन। आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।